Hello friends, this is AsthaShukla. Welcome to Easy Anthro with Astha. Today we will talk about the scope of anthropology. The scope of anthropology, jaane se pehle, you should know about what is the scope. Let me explain what is the scope with an example. In 2017, there was a joke that Baba Ramdev ne ghar choda aur wo mahayog guru ban gaye. Yogi ji ne ghar choda, wo Uttar Pradesh ke mukhyamantri ban gaye. Phir Modi ji ne ghar choda aur wo is desh ke pradhanmantri ban gaye. तो उसका कंक्लूज़न हमें ये मिला था कि घर छोड़ दो बहुत स्कोप है. तो आप लोग को पता हो गया होगा कि स्कोप क्या है. स्कोप हमें एंथ्रोपोलॉजी के 5 क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे. तो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में सब कुछ बॉडी के बारे में बताता है कि जितनी भी हमें उसमें स्टडी करनी होती है वो सब कुछ बॉडी से रिलेटेड होती है. जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे होते हैं वो मेंटल लेबर ज़्यादा करते हैं, और जो रेसलर वगैरह होते हैं जिनको अपनी बॉडी या कसरत वगैरह, तो वो फिज़िकल लेबर ज़्यादा करते हैं. कभी कभी कोई घर में फंक्शन होता है तो जो घर से बाहर होता है वो बोलता है कि मैं फिज़िकली वहाँ पर नहीं प्रेजेंट हो पाऊँगा और फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ. तो मीन्स फिज़िकल का मतलब कि हर चीज़ बॉडी से रिलेटेड. जैसे कई सारे वर्ड हैं, फिज़िकल लेबर, फिज़िकली हेल्प, फिज़िकल रिलेशन, फिज़िकली टॉर्चर, ये सारी चीज़ें जो भी फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में आती हैं वो सब बॉडी से रिलेटेड होती हैं. तो फिज़िकली एंथ्रोपोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 4 मेन पार्ट है एक्चुअली. ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन वेरिएशन, ह्यूमन जेनेटिक्स. ह्यूमन बायोलॉजी में सब कुछ ह्यूमन के बारे में ही होता है. जैसे ह्यूमन बायोलॉजी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर लिविंग बींग्स. ह्यूमन बायोलॉजी हमें एनिमल किंगडम के बारे में बताता है. ठीक, नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन इवोल्यूशन में कि हमारी ओरिजिन कहाँ से हुई, या ओरिजिन से लेकर आज तक की जो भी हमारी स्टेज थी, जो भी हमारा कल्चर था, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी स्टेज या जितने सीक्वेंस होते चले गए वो सब ह्यूमन इवोल्यूशन में आते हैं. कि स्टार्ट कहाँ से हुए, हम यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर कैसे बने, हमें आर्ट वगैरह इन सब का क्या रोल है हमारी लाइफ में, आर्ट का, म्यूज़िक का, ये सारे क्रिएशंस कहाँ से आए, तो ये सब ह्यूमन इवोल्यूशन में होता है. ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ स्टार्ट फ्रॉम क्वार्टनरी पीरियड ऑफ सीनोसोइक एरा. तो इसमें वेराइटीज़ ऑफ मैन है, जिसमें सबसे पहला है ड्रायोपिथिकस, देन ओरियोपिथिकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन पैरेंथ्रोपस, देन एडवांस्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन होमोइरेक्टस, देन सोलो मैन, देन रेडिएशन मैन, देन नियंडरथल मैन, देन अर्ली होमोसेपियंस, देन क्रोमैग्नॉन मैन, देन मॉडर्न मैन. फिर आते हैं हम ह्यूमन वेरिएशन में. ह्यूमन वेरिएशन आउटवर्डली आप लोगों ने देखा होगा तो ऑल ह्यूमन्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, देयर डेवलपमेंट, देयर लुक्स, बट उन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट कि वो सबके सब होमोसेपियंस हैं. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम बाहर से किसी को भी, कोई भी ह्यूमन को देख लेंगे तो सब एक जैसे नहीं दिखते हैं, सब में कोई ना कोई डिफरेंस है उनके लुक में. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉक्सोइड ग्रुप, मंगोलॉइड ग्रुप, नेग्रोइड ग्रुप, ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप, ये सारे देखने से तो बाहर से देखने में तो अलग अलग हैं, पर इन सब के कॉमन कैरेक्टर हैं, ये सब होमोसेपियंस हैं. फिर हम आते हैं होमोजेनेटिक्स में. होमोजेनेटिक्स में हमें वेरिएशन और हेरिडिटी दोनों की स्टडी करनी होती है. मीन्स हम में क्या वेरिएशन है, हमारी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या वेरिएशन है. इसमें स्टडी करते हैं ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप की, मस्कुलर्स टाइप की, हेयर टेक्चर की. जैसे किसी किसी की मसल्स क्या होती हैं, मतलब किसी फैमिली की मसल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है. जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कोई फैमिली है उसमें सभी लोग दुबले पतले से हैं, तो उनकी जनरेशन भी जो उनके बच्चे होते हैं वो भी दुबले पतले होते हैं, फिर वो चाहे कितना भी खाना खा लें उनमें कभी फैट चढ़ता ही नहीं है. उसी तरह इसमें स्टडी होती है टाइम्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन की, ग्रोथ रेट की, सब कुछ हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड होती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम लगभग लगभग उनके जैसे होते हैं, हम में उनका
जीन ट्रांसफ़र होता है कोई ना कोई, और इसमें जेनेटिक जितनी डिसीज़ेस हैं वो भी आ जाती हैं, इम्यूनिटी सब कुछ, जो भी हेरिडिटी है, जो भी वंश से आती है, मिलती है, वो सारी की सारी मिल जाती है। जैसे एक जेनेटिक डिसीज़ है मोस्टली बॉयज़ में पाई जाती है, बाल्डनेस। बाल्डनेस अगर फादर को है तो सन को होता ही है, या फादर की फैमिली में किसी को है, जैसे दादा दादी बड़े पापा चाचा, तो सॉरी दादी नहीं, बड़े पापा या चाचा, तो भी वो कहीं ना कहीं बॉयज़ में आ जाता है, क्योंकि वो हेरिडिटी एक जेनेटिक डिसीज़ है। फिर हम आते हैं उसके बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, ये 4 मेन पार्ट्स थे। उसके बाद दो पार्ट्स और हैं, एक है डेमोग्राफी और दूसरा है पेडिगोजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो डेमोग्राफी इज़ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बींग्स। इट कैन एनालाइज एनी काइंड ऑफ डायनेमिक लिविंग पॉपुलेशन। डेमोग्राफी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी से। इसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड होते हैं फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी को लेकर। जैसे कभी कोई बर्थ है बच्चे का, वो जल्दी हो जाता है, मतलब उसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो उससे जल्दी जब बर्थ हो जाता है, जिसे प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं, प्रीमेच्योर बेबी बर्थ, तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें इंक्लूड होता है, या जो भी उसके मदर की जो भी डिसेबिलिटी होगी उसके कारण वो प्रीमेच्योर हो जाता है, या फिर कभी लेट होते हैं, या डेथ। जैसे हर आदमी ओल्ड होकर ही नहीं मरता है, कोई जल्दी मर जाता है, कोई बाद में, मतलब बाद में का मतलब बहुत एज होने के बाद भी 100 साल 105 साल इतना जी जाते हैं। तो फर्टिलिटी भी उनके इन्वायरमेंटल मॉर्टेलिटी भी उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होती है। फिर है पेडिगोजिकल एंथ्रोपोलॉजी। पेडिगोजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ डायरेक्टली कंसर्न्ड विद एजुकेशन। इसमें सारी स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड होती है। इट इज़ सिंपली रिलेटेड टू टीचिंग और टीचर्स, मेथड ऑफ एक्टिविटी ऑफ टीचिंग। तो इसमें सभी पेडिगोजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं। वो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ कल्चरल वेरिएशन एमंग ह्यूमन, देयर बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। ये इट इज़ ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कल्चर। ये हमें कल्चर को समझाता है कि हमारे क्या कल्चर थे, या हमारे जो पूर्वज थे उनके क्या कल्चर थे। ये हमें सिखाता है जो भी हमारे पास्ट के, प्रेजेंट के, या जो फ्यूचर में कल्चर होंगे उनके बारे में, क्या सोसाइटी है, कैसे सोसाइटी की सोच है, या सोसाइटी हमारी कैसे करती है, एक ग्रुप क्या करता है उसका। तो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी हमें सिर्फ हमारे कल्चर के बारे में बताती है, समझाती है। सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस हैं। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज़ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, सेकेंड इथनोलॉजी, थर्ड इज़ इथनोलिंग्विस्टिक। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, इट इज़ स्टडी ऑफ पास्ट यूजिंग रिटन रिकॉर्ड्स। ये हमारे पास्ट के बारे में सब जितनी भी हम स्टडी कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता हम खोजने तो जाते नहीं हैं कि कहाँ है क्या है, तो उसके कुछ रिटन रिकॉर्ड हैं, या हमने कुछ फॉसिल्स देखे हैं, फॉसिल्स फॉर्म्स देखे हैं, इन सारी चीज़ों को देखा है, तो हमें पता चल गया है कि हाँ कब क्या कौन सी चीज़ें थी, कब कौन सा स्टेज था, कब कौन सी एज थी। तो हमें ये सारी चीज़ें प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में पता चलती हैं। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू फाइंडिंग आउट सीक्वेंस ऑफ कल्चर एंड दैट इन द पास्ट बाय अडॉप्टिंग बाय मेथड्स। जो भी सीक्वेंस है हमें उसे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, और उसको फाइंड करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे सीक्वेंस है ब्रॉन्जो एज, सॉरी सबसे पहले आया था स्टोन एज, फिर ब्रॉन्जो एज, फिर अर्ली आयरन एज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, जिसे कमेंट पे देना है प्लीज़ आंसर उसका, कि अर्ली आयरन एज या आयरन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन में था या नहीं था। ओके, और इसको जो भी हम फाइंड आउट करते हैं हमारी हिस्ट्री में क्या चीज़ थी और क्या चीज़ नहीं थी, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे स्ट्रेटिग्राफी या रेडियो कार्बन डेटिंग मैथड्स एट्सेट्रा। ओके, तो प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में
हमें ये पता चलता है कि कैसे जो हमारे एंसेस्टर थे उन्होंने कैसे क्रॉपिंग सीखी, उन्होंने कैसे वीपन्स बनाना सीखा, हाउ टू मेक देयर टूल्स, वीपन्स, यूटेंसिल्स, उनका क्या यूज़ था जनरली उनकी सोशल लाइफ में. जैसे वीपन्स वगैरह वो खुद को सेफ रखने के लिए भी यूज़ करते थे और जानवरों का शिकार करने के लिए भी यूज़ करते थे. उन्होंने फूड को कैसे शुरू किया, उसको कैसे उसका इवोल्यूशन किया, जैसे सबसे पहले वो क्या खाते होंगे, पेड़ से जो भी मिल जाता होगा तोड़ के खा लेते होंगे या शिकार करके खाते थे. फिर उसके बाद उन्होंने क्रॉपिंग करना शुरू किया, फसल उगाना शुरू किया, एग्रीकल्चर पे वो आए. और उसी तरह क्लॉथ्स पे है कि वो क्या पहनते होंगे, तो सबसे पहले तो वो नेकेड रहते थे, फिर उसके बाद उन्होंने पत्तियाँ या पेड़ों की छाल ये सब पहनना शुरू की. फिर जब उन्होंने शिकार किया होगा तो एनिमल्स की स्किन, खाल, उसे पहनना शुरू किया. फिर धीरे धीरे वो क्लॉथ्स की तरफ बढ़े, मीन्स ये जो कॉटन वगैरह हैं इनकी तरफ बढ़े. तो ऐसे उनका पूरा डेवलपमेंट हुआ. तो ये पूरा जो भी हमारे एंसेस्टर करते चले आए आज तक, तो वो हमें प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में सारी न्यूज़ मिलती है. देन हम आते हैं इथनोलॉजी पे. इथनोलॉजी इज कंपेयर्स एंड एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम. इथनोलॉजी इज इसेंशियल ब्रांच टू नो लिंक बिटवीन डिफरेंट कल्चर प्रिंसिपल्स, गाइडेंस एंड सोशल कल्चर. ठीक है, इथनोलॉजी हमें सब में लिंक करती है कि हमारा अलग अलग कल्चर को लिंक करती है एक दूसरे से, अलग अलग प्रिंसिपल्स को, अलग अलग गाइडेंस, गाइडिंग सोशल कल्चर को, इन सब को लिंक करती है कहीं ना कहीं. सॉरी, इथनोलॉजी इज फर्दर डिवाइड इन टू फाइव मेन पार्ट्स. इट्स इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियन, आर्ट म्यूजिकोलॉजी एंड रिक्रिएशन, फिफ्थ इज फोकलोर. तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी इज डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल. ये ह्यूमन के जो कई सारी स्टेज होंगी, सबसे पहले प्रोडक्शन का, फिर कंजम्पशन का, फिर उन्होंने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट मैन प्रोड्यूस एंड हाउ दे प्रोड्यूस, व्हाट दे कंज्यूम एंड हाउ दे कंज्यूम, व्हाट ही क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूट, हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट और एक्सचेंज, कि उन्होंने कैसे कोई भी क्रॉप या कोई भी चीज़ को कैसे प्रोड्यूस किया, कैसे प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया होगा सबसे पहले, फसल में सबसे पहले क्या चीज़ उनको मिली होगी. जैसे हिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो हिस्ट्री के पहले 6th चैप्टर में ये बता दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे चावल की फसल उनको मिली और कहाँ पर गेहूं की फसल मिली और उन्होंने कैसे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया. तो ये भी इकोनॉमी का एक पार्ट है. फिर उन्होंने उसको कंज्यूम कैसे किया, उसको कहीं रखा होगा, कहीं बांटा होगा, कहीं दिया होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया या कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने की भी इकोनॉमिक. जैसे पहले क्या होता था, मान लीजिए पैसे नहीं है तो कोई थोड़े से गेहूं दे के किसी को कुछ सामान खरीदना है तो गेहूं दे दिए थोड़े, ठीक है, और कोई भी सामान जो भी उसे लेना है वो उस गेहूं के अकॉर्डिंग, उस गेहूं को तब का मनी मानते थे वो गांव वाले, शायद आज भी मानते हों दोनों. पर जब छोटी थी मैं तब भी मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी कि थोड़े से गेहूं लेके जाओ, अगर पैसे नहीं हैं तो दुकान वाला वो सामान दे देता था जिसकी आपको नीड है, ठीक है, जितने का उसको गेहूं का समझ में आएगा कि हाँ ये इतने गेहूं का मतलब इतने रुपए, उतने गेहूं का मतलब उतने रुपए. तो जैसा भी उसके अंदर, उसने अपने माइंड में जैसी भी उसकी इकोनॉमी बना रखी होगी, उस तरह हम चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे. आज भी चीज़ों को एक्सचेंज करना है, जैसे अभी मान लीजिए मेरे पास कोई एक पेन है और मुझे पेंसिल की नीड है, तो मैं बोलूँगी भाई पेंसिल दे दो और पेन एक्सचेंज कर लो, तो वो मुझे नई चीज़ मिल जाएगी, भले ही वो नई ना हो पर जिस चीज़ की मुझे नीड है वो मिल जाएगी एक्सचेंज करके, ठीक. फिर सेकंड है सोशल एंथ्रोपोलॉजी. सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये हमें बताती है हाउ पीपल लिव इन अ सोसाइटी. पीपल एक सोसाइटी में कैसे रहता है, जैसे मैन एन एग्रीगेरियस पर्सन एंड लिव इन अ सोसाइटी. में मैन जो है एक एग्रीगेरियस पर्सन है और वो एक सोसाइटी में ही रहता है, वो एडॉप्ट करता है उस सोशल इन्वायरमेंट को, वो सोशल इन्वायरमेंट को सीखता है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है. मैन बॉर्न इन अ फैमिली एंड सोशलाइज टू इट, सच एज टू फैमिली, टू लीनियस, टू क्लीन, टू फ्रेटरी, टू मॉइटी एट्सेट्रा. ये मैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन सोशल
इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक मैरिज, गवर्नमेंट, लॉ, इन सब में मैन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है. तो वो अपनी सोसाइटी को, सोसाइटी में ही होता है और सोसाइटी को ही बनाता है आगे. ये हो गया सोशल एंथ्रोपोलॉजी. इसका एक स्टेटमेंट है कि कल्चर एग्जिस्ट टू मेक द सोसाइटी सर्वाइव, बट विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी कल्चर इज़ नो एंटिटी. मतलब कल्चर तो कल्चर सोसाइटी को बना सकती है, पर बिना सोसाइटी के कल्चर नहीं होता है.